स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो सत्य घटना पर आधारित हैं या फिर किसी की डॉक्यूमेंट्री रही। इस सिलसिले में एक और सत्य घटना पर आधारित बहादुरी की कहानी अब बॉलीवुड में बनने जा रही है। ये कहानी आई है राजौरी जिले से, जहां 13 साल पहले रुखसाना कौसर की जाबाजी कभी भुलाई नहीं जा सकती। अकेले ही वो 3 आतंकियों पर टूट पड़ी थी। इतना ही नहीं, रुखसाना ने एक कुख्यात आतंकी को कुल्हाड़ी से मार डाला था, तो दूसरे को उसकी राइफल से गोली चलाकर घायल कर दिया था। इस जाबाजी पर बॉलीवुड फिल्म बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि रुखसाना का किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर निभाएंगी। फिल्म निर्माता अशोक चौहान और निर्देशक आसिफ अली ने रुखसाना से मुलाकात की, जिसके बाद 20 दिसंबर को रुखसाना मुंबई जाने की तैयारी में है। गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयानों में रुखसाना की बहादुरी का जिक्र किया था। 27 सितंबर 2009 की रात को रुखसाना याद कर बताती हैं कि शाहदरा शरीफ क्षेत्र में कालसी में घर के पास घना जंगल है। वो अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। करीब 9:30 बजे इतने में 3 आतंकी दरवाजे पर आ धमके। पिता नूर हुसैन ने दरवाजा नहीं खोला तो आतंकी खिड़की के रास्ते दाखिल होने लगे। माँ ने मुझे व भाई को चारपाई के नीचे छिपा दिया। आतंकियों ने मां से मुझे उन्हें सौंपने की मांग की। पिता ने विरोध किया तो आतंकी उन्हें पीटने लगे। रुखसाना ने बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। परिवार मुसीबत में था, इसलिए पता नहीं मुझमें कहां से हिम्मत आई। पास में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, मैंने दौड़कर कुल्हाड़ी उठा, एक आतंकी के सिर पर वार किया जिससे वो वहीं गिर गया। दूसरे आतंकी ने गोली चला दी, जिसके बाद मैंने मारे गए आतंकी कमांडर अब्बू उसामा की AK-47 राइफल उठा गोली चला दी। इसमें एक अन्य आतंकी घायल हो गया। ये देखकर अन्य आतंकी भाग गए। रुखसाना ने परिवार के साथ पुलिस चौकी में पहुंचकर पूरी वारदात की जानकारी दी। आतंकियों से भिड़ने पर रुखसाना की जिंदगी ही बदल गई। तत्कालीन सरकार ने 2010 में गणतंत्र दिवस पर रुखसाना और उसके भाई एजाज को बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र दिया। इसके अलावा रुखसाना को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। उसे जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलिस में नौकरी भी दी थी। आज 5 राज्यों की 6 विधानसभा और उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट मैनपुरी पर उपचुनाव होगा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हाई सीट से को बचाने की मजबूत लड़ाई लड़ रही है। यूपी के रामपुर से खतौली, ओडिशा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुड़नी और छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इन उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव ने इटावा के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय में अपना वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा भारी अंतर से जीतने जा रही है, कोई अन्य राजनीतिक दल मुकाबले में ही नहीं है। रामपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता आजम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बर्बरता की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस कॉलोनियों में जा रही है और लोगों को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने दे रही। एक कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया है और डर के मारे पलायन कर गए। हर जगह बोल रहे हैं कि वोट मत डालो। ईरान की सरकार ने वहां हिजाब के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नैतिकता पुलिस यानी कि मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया है। इसे विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के लिए बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वहां के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटेजुरी ने समाचार एजेंसी ISNA को बताया कि नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे खत्म किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।